हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम भी एकदम अच्छे से हैं दोस्तों। और अभी सुबह के बज रहे हैं, लगभग अभी 9 बज रहे हैं और हम लोगों का नाश्ता हो रहा है। तो नाश्ते में आज बनी है माइक्रोनी, ये है अक्कू के लिए और अक्कू अपने लिए के लेकर आई है। स्पून भी लेकर आई है, कांटा स्पून नहीं है वो। क्या है? कांटा है। और ये मेरे लिए और पतिदेव के लिए है, साथ में गर्मा गर्म चाय भी है। ये मम्मी का है, ये इसको स्पून नहीं बोलते, फॉक बोलते हैं। मम्मी को बोल इंग्लिश सीख ली थोड़ा बहुत। फॉक फॉक है दोस्तों। तो अब गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं और अक्कू स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब नाश्ता करेगी, उसके बाद जाएगी स्कूल और नाश्ता कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ों पर मौसम। बाय अक्कू। तो दोस्तों, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अक्कू अब स्कूल के लिए निकल गई है। तो अक्कू के पापा जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए, उसके बाद घर आकर के हमें जाना है भीमल काटने के लिए और आगे आपको बताते हैं ना। तो चलिए आपको मौसम दिखाते हैं। ये देखिए, पहाड़ों पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तेज़ धूप लगी हुई है, जबकि ना कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई और हल्के हल्के ओले भी पड़े, तो काफ़ी ठंडा सा हो गया था कल मौसम। फिर धूप ही नहीं आई और लेकिन आज जो है अच्छी धूप है। और कल की जो क्लिप है वो मैं अभी इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगी कल कैसा मौसम हो गया था। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है, लगभग शाम के बज चुके हैं 4:30 और मॉर्निंग में मैंने अपना व्लॉग शूट करा था जब नाश्ता हम लोग कर रहे थे। तो उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया। तो क्यों नहीं बनाया, मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। एक तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी कल से रात से ही, और साथ में जो है ना आदमी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। आदमी को ना बहुत ज़्यादा फीवर हो गया और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया, तो फिर कैमरा तो कैसे ही उठाना था, आप समझ ही सकते हैं छोटे बच्चे के साथ में। तो फिलहाल जो है हम घर में रखते हैं पैरासीटामोल बच्चों की दवाई, तो वो हमने उसको दे दी थी, थोड़ा उतर गया था उसका बुखार और अभी जो है फिर से उसे बुखार होने लग गया, तो फिर अभी उसे दवाइयाँ दी हैं हमने। तो देखते हैं, अगर उसका बुखार रात को भी ऐसे ही रहता है तो कल उसे डॉक्टर को भी दिखा देंगे। फिलहाल अभी जो है इस टाइम पे वो सो रहा है, तो मैं और मेरे साथ पतिदेव जाएंगे अभी भीमल काटने के लिए, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो मम्मी की बस की नहीं है पेड़ में चढ़ना, तो भीमल काटते हैं। भीमल भैंस के लिए लाना ज़रूरी है। फिलहाल जो है धूप चली गई है सामने पहाड़ों पर और आज ना काफ़ी अच्छा मौसम रहा, तेज़ धूप रही तो ज़्यादा ठंड नहीं लगी, वरना कल जो है हल्की जो बूंदाबांदी हुई थी काफ़ी ठंडा लग रहा था कल, लेकिन आज जो है अच्छा मौसम हो गया। आगे चल रहे हैं पतिदेव, तो अब चल रहे हैं हम भीमल काटने के लिए और भीमल ना पतिदेव काटेंगे, क्योंकि मुझे तो पेड़ में चढ़ना नहीं आता है और डर भी लगता है। मुझे सिर्फ खाना आता है, ये बोलना यार कितनी बेइज्जती मारते हैं ना यार, ये सच में इतनी उम्र बीत रही, बुढ़ापा आ गया, पेड़ में नहीं चढ़ पा रही हम कभी चढ़े ही नहीं पेड़ में, तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्यों चढ़ना जरूरी है कि सबको पेड़ में चढ़ना आना चाहिए? और क्या आना चाहिए भाई, आना तो चाहिए ना, लेकिन डर लगता है। तो भाई इमरजेंसी में तो जबरदस्ती है, अगर गिर गई तो फिर तुम्हें ही मुसीबत होगी। फिर डॉक्टर जिंदा बाबा। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ना केले का पेड़ जो है टूटा होगा, तो यहाँ पे डाला हुआ है, इसको ना भैंस वगैरह खा लेते हैं। कौन सा पेड़ है वो? यहाँ नीचे पे, ये जिससे काटा हुआ है वहाँ सामने पे। यहाँ का जा रहा हूँ, इनके यहाँ से जाना है नीचे। तो दोस्तों, हमें काटना है सामने पे जो भीमल का पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला, और ये हमारा नहीं है, जो पुष्पा चाची है ना व्लॉग में काफ़ी बार आते हैं, तो हमने उनसे लिया हुआ है। और ये है देखो सीढ़ी नुमा खेत, हमारे यहाँ ऐसे खेत होते हैं, तो यहाँ से नीचे जाएंगे ये देखो। और यहाँ पे देखो ये मिर्च के पौधे हैं जो बिल्कुल सूख गए हैं, और यहाँ से तो कब की पेड़ में चढ़ भी गए, तो फटाफट से इकट्ठा करूँगी।
और इस वाले खेत में ना देखो केले का पेड़ है यहाँ पे काफी बड़ा, लेकिन इसमें अभी केला वगैरह तो आया नहीं है। और बीच में है ये है माल्टे का पेड़, ये वाला, इसमें भी माल्टे नहीं लगे हुए हैं अभी, मतलब इन्होंने फल नहीं दिए हैं। और पतिदेव तो फटाफट से पेड़ में चढ़ गए हैं, इनको ना पेड़ काटने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है तो ये फटाफट से काटेंगे और मैं इकट्ठा करूंगी, तो मुझे नीचे वाले खेत में जाना पड़ेगा ना। इसमें से किसने काटा? अरे मम्मी ने पता क्या बोला था, ऊपर ये वाला काटना था, उसमें नहीं जाना था यार, वो शायद मम्मी काट लेंगी। मम्मी ने इसमें बोला था कि जो ऊपर वाले खेत में गिरेगा, तुमने वाला फटाफट गए और वहाँ फटाफट काटने लग गए, ये नहीं पूछ लो पहले। अच्छा इसमें जाओ, इसमें शायद मम्मी जा नहीं पाएगी इसलिए बोला होगा। और यहाँ पे देखो इस वाले खेत में भी गेहूँ बोए हुए हैं और साथ में जो है मसूर भी है, और नीचे वाली जो खेत है ना इसमें जौ बोए हुए हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं खेत, हरे हरे से खेत, और यहाँ नीचे सारा बंजर छोड़ा हुआ है, जहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना सारा बंजर छोड़ा हुआ। तो हमारे गाँव के लोग ना यहीं से, इतनी खेती है बस हमारे गाँव की, थोड़ा उस साइड है, मतलब थोड़ा इस साइड है। तो दोस्तों फाइनली जो है ना पतिदेव ने भीमल काट लिया है, और इस भीमल की टहनियाँ ना बहुत ही लंबी लंबी है, जिसकी छटाई हम घर में जाके करेंगे, क्योंकि इसके जो टहनियाँ हैं ना छटाई करने के बाद भी काम आती हैं। और ये वाला छोटा सा मैं लेकर जाऊँगी, और ये बड़ा बड़ा है भाई, क्योंकि ये तो ना मैं उठाऊँगी तो पूरा घिसड़ते हुए जाएगा, है नहीं? ये वाला घिसड़ते हुए जाएगा, निकल जाएगा, मुझे लग रहा है बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा ही काट दिया ये। और ये वाला मैं लेके जाऊंगी, पकड़ना क्या? ये तो हाथ मेरे पास नहीं, पकड़ना भाई छूट जाएगा इधर से। अच्छा हां, कैमरा कुमरा छूट गया, हाथ इसका हाथ टूट गया। तो चलिए दोस्तों मैं भी उठा लेती हूं विमल, और उसके बाद ना घर चलते हैं, घर जाके मिलेंगे। और अभी हमें ना इसकी छटाई भी करनी है घर जाके, पतिदेव तो चले गए, देखो कितना फैल रहा है, अगर मैं ले जाती ना तो पूरा घसीटते हुए जाता है नहीं। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, और विमल देखते ही ना हमारी भैंस ना बिल्कुल नाचने लग जाती है नहीं, क्योंकि इसे भी भाई भीमल बहुत पसंद है। और पतिदेव इसकी छटाई कर रहे हैं, तो फटाफट से अब मैं जो छोटी छोटी टहनी है ना उनको इकट्ठा करूँगी, तो थोड़ा भैंस को अभी खिलाएंगे, थोड़ा बाद में। बहुत बड़ा बड़ा यार ये तो, आज तुम्हारी हाइट से भी ज़्यादा है भाई। तो हाइट क्या है इसकी? तो दोस्तों इसे बोलते हैं पहाड़ी भाषा में क्याड़, और पहले ना गदेरे आते थे, उसमें गदेरे में रखते थे, मतलब जब पानी में रखना पड़ता था, जब गैस सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी ना, अब तो गैस हो गई लोगों के पास, अब ये ना ऐसे सड़ते रहते बेचारे, इनकी कोई कदर नहीं करता अभी भी, कुछ लोग अभी भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो इसे जलाएंगे ना जब ये सूख जाएंगे। तो चलिए भीमल की छटाई भी हमने कर ली है, और अभी जो है ना सनसेट भी हो ही गया है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगी, सिम्बा को अंदर बांधूंगी ना। सिम्बा देखो ठंडी लग रही तेरे को ठंडी है? सिम्बा को अंदर बांधते हैं, फिर थोड़ी चौक की सफाई करेंगे फटाफट से, और फिर जो है आत्विक ना अभी तो गुड्डी के पास है, फिर जाती हूँ आत्विक के पास, है ना। आत्विक की तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा क्या है कि परेशान तो कर ही रहा है वो, वैसा तो वही मस्ती रहता है, और आपको भी मिलाएंगे आत्विक से। चलो पहले मैं अपना काम निकाल लेती हूँ, अभी देखो चौक की सफाई करते हैं पहले। तो दोस्तों टाइम हो गया है लगभग शाम के, बज चुके हैं 7, और अभी मम्मी ना पूजा कर रहे हैं, और दोनों बच्चे भी। तो अभी आत्विक का ना बुखार थोड़ा सा कम है, तो आत्विक ही ना पूजा कर रहा है अपनी दादी के साथ। आपको घंटी दो, उसके बाद घंटी बजाएगा। ये इसने चुन्नी खींच ली आपको, तो दोस्तों अभी ना मम्मी पूजा करके नीचे चली गई हैं, और मैं हूँ बच्चों के साथ में। तो अभी आत्विक ना, इसको बुखार तो नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का जैसे सर सा गर्म हो रहा है, यानी सर दर्द हो रहा है इसको, तो अभी परेशान कर रहा है, तो इसलिए मैं आत्विक के साथ में ही हूँ, और मेरे साथ में अक्कू भी है। और ये देखो अभी तो आत्विक को चाहिए बस फोन चला दो, है ना आत्विक? आत्विक क्या चाहिए? फोन। तो फ़ोन में मैं आत्विक को ना वीडियोस वगैरह दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा क्या है इसका ना
ध्यान भी जैसे बढ़ रहा है तो फिर इतना परेशान नहीं कर रहा है। ये देखो अब उसने उठा दिया जूस का डब्बा। जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो उसी पानी को पी लो, और जिसको मन हो रहा है पीने का वो यहाँ आ जाओ। जी देखो आधी क्या पीना है, जूस पीना है। अभी तो आधी जूस का डब्बा लेके घूम रहा है कि जूस पीना है जूस पीना है, लेकिन हमने आधी को जूस ना दिन में पिला दिया था। दोस्तों मैंने घुट मारी तो अभी उसे खोलने के लिए कह रहा है। यही तो है अक्कू, शैतान दिखा दिया उसे जूस का डब्बा। अच्छा? क्योंकि ना अभी रात को जूस थोड़ा ठंडा हो जाएगा। वैसे तो हमने रूम पे ही रखा था, फ्रिज में नहीं डाल रखा, लेकिन ना दिन में पिला दिया था हमने, दिन में धूप थी, लेकिन अभी शाम को ठंडा हो जाएगा इसलिए नहीं दे रहे हैं हमें जूस। और ये जिद कर रहा है कि मुझे जूस चाहिए, है ना। मेरा बेटा जूस पिएगा, जूस पिएगा, दिन में पिएगा आधी जूस।